दोस्तों, गुड मॉर्निंग एनी क्लास व्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों प्रातः हो चुकी है, मैं आया हूँ चाय पीने के लिए। सुबह का बज चुका है 7 और यहाँ गर्मी इतनी हो रखी है, पूरा बादलों से ढका हुआ है और उमस हो रही है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। नोएडा में हालत ख़राब हो गई है, पसीने से देखिए इतना पसीना हो गया है। दोस्तों देखिए सुबह सुबह की चाय की तुरुक और ये मटरी, हाँ हाँ गर्म गर्म अभी बनी है। दोस्तों मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और प्रातः का बज चुका है 9:15। अब मैं जाता हूँ सेमिनार, कमरे से निकल चुका हूँ सेमिनार के लिए क्योंकि 10 बजे पहुँचना होता है। मेरे को यहाँ से समय लगता है दोस्तों 15 मिनट का समय लगता है, तो मैं शायद 9:45 बजे तक पहुँच जाऊँगा, थोड़ा ई रिक्शा लेट भी हो गया तो। ठीक है, निकल चुका हूँ। दोस्तों नाश्ता वहाँ भी मिलता ही है लेकिन मैं कमरे से ही करके जाता हूँ। यहाँ पर नीचे कमरे के बाहर नाश्ता वाला है, वो खिला देता है सुबह छोले भटूरे जो खाना हो आपको, व्यवस्था वहाँ भी है लेकिन मैं रहता नहीं हूँ। दोस्तों नोएडा में धूप आ चुकी है, बहुत शानदार धूप खिली हुई है। यहाँ का टेम्परेचर अभी से सुबह से ही हो गया है 35 डिग्री। पहाड़ों में तो दोस्तों काफ़ी बारिश हो रही है, बहुत ठंडा मौसम है और यहाँ तो बिना एसी के जीवन है ही नहीं, पंखे से भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर एक शानदार खुशहाल जीवन जीने की अगर बात करेंगे तो पहाड़ का जीवन बहुत अच्छा है, पहाड़ का मौसम, पहाड़ की वायु और पानी बहुत अच्छा। लेकिन सुविधाओं के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ का जीवन अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं सभी जगह सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहती है। यहाँ कुछ दिक्कत है, पहाड़ों में कुछ दिक्कत है। अगर देखा जाए तो पहाड़ों से अच्छा यहाँ का जीवन अच्छा है, यहाँ हमेशा पसीना निकलते रहता है। गर्मियों में आप पानी ज़्यादा पियेंगे, पहाड़ों में पसीना नहीं निकलता बिल्कुल भी, जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो वहाँ पानी की पूर्ति नहीं हो पाती शरीर में, जिससे भी कई रोग शुरू हो जाते हैं शरीर के लिए। इसलिए दोस्तों दोनों जगह अच्छे हैं अपने अपने हिसाब से। अब मैं पहुँच चुका हूँ ई रिक्शा स्टैंड, अब यहाँ से बीबीगिरी के लिए कम से कम 3 किलोमीटर है, यहाँ से मुझे ई रिक्शा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि लेट भी हो रहा है। अब ढूंढते हैं ई रिक्शा, देखते हैं कौन जाता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए दोस्तों सभी लोग पहुँच चुके हैं क्लास में, बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह। आज आपको दिखाते हैं अपना क्लासरूम, जो हमारा सेमिनार रूम है ये है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है चारों तरफ का परिसर, बीच में देखिए इधर। दोस्तों आज हमारा विजिट है और हम विजिट के लिए अभी जा रहे हैं लाइब्रेरी, ये हमारी टीम। दोस्तों देखिए लंबी लंबी कतार में हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में, ये हमारे सर लोग हैं सभी। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? लाइब्रेरी विजिट। NRDA श्रम सूचना संसाधन केंद्र है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर हम लोग सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं अगले कार्यक्रम के लिए। बड़ा सा मूर्ति देखा और ये जो है ये इसको सेकंड प्राइज पूरा इंडिया मिला और जो रथ पर जिस पर चलती है ना उसका ही सकता है। तो ये बनाने के लिए कोई कर्नाटक का कोई बहुत बड़ा करोड़ रुपया बना था झांकी जो है 26 जनवरी का, तो मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि इसको जो है ना यहीं पर एक्सेशन करें। तो ये वर्कर ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, देखिएगा आपको ये वाले हैं खाना बनाने वाले, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसी में एक लेडी की तबीयत खराब हो गई, ये डॉक्टर साहब आए हैं तो ये थर्मामीटर से जो है ना देख रहे हैं। थर्मामीटर जो है ना वहाँ पर वो जो रेट निकालने के बाद से रखा हुआ था लोगों ने निकाल दिया थर्मामीटर और जो है इनके स्टेथोस्कोपी था दोनों निकाल दिए। तो ये है तो यहाँ पर रखा हुआ है, वो बेसिकली ये गवर्नमेंट का है, इनके पास जो गवर्नमेंट ने जो श्रम सुधार कर रहा है उसका एक दोस्तों। यहाँ पर डॉक्टर साहब के सामने जो बीमार महिला है उनके साथ हमारे साथी खड़े होकर डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब के साथ पूरी हमारी टीम। नाड़ी दिखवा लो, सभी अभी मेरे को चेकअप करवा लें नाड़ी। डॉक्टर साहब देखिए नाड़ी दिखाते हुए। दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर साहब की स्टैचू बनाई गई है उसमें मैं भी अपनी नाड़ी डॉक्टर साहब को दिखाते हुए, तो डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। देखिए हम ये
मान सकते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं और डॉक्टर साहब को हम अपना उपचार करवा रहे हैं और डॉक्टर साहब के साक्षात यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। जो गवर्नमेंट के जितने भी जो जो वर्कर से रिलेटेड है ना, जैसे मिनिमम वेज उसका जो है आपको जो ये सब स्लोगन लिखा हुआ है। अच्छा, स्लोगन। और ये स्लोगन जो है साल पहले कर रहे हैं, 28 साल पर। और देखिए यहाँ पर ट्यूबलाइट भी लगा हुआ है और यहाँ पर बैठ कर कंसंट्रेट कर आप बैठ कर कॉन्सेंट्रेट कर। तो उस समय लोग पढ़ते थे लेकिन आजकल लोग अब कम पढ़ते हैं, मोबाइल से ही गूगल से ही सब डाटा ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना, अब आपको स्टडी टेबल है। ट्यूबलाइट लगा है हाँ, देखिए देखिए चलती नहीं। जी जी, अभी एक कनेक्शन निकाला है क्योंकि ये सब एलईडी वाला नहीं है, ये आपको देखिएगा वो वाला है। हाँ, ये पुराने पुराने मॉडल का है। देखिए हाँ, ये 9 बजे से लेकर 7:30 बजे तक खुला हुआ है। इसमें आम आदमी पढ़ सकता है? आप आइए पढ़ने के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए अलाउ नहीं है जिसे बच्चों कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए, उन लोग के लिए नहीं है। लेकिन आप लोग काम करते हैं, अगर रेफर करना है लाइब्रेरी आइए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आइए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है सर लोगों की लाइब्रेरी में आके, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है जो आपको बताई नहीं जा सकती है। और देखिए दो उधर बैठे हैं, दो यहाँ बैठे हैं, बाकी सब अपने अपने अध्ययन में लगे हैं। यहाँ पर सेकंड टेबल भी अध्ययन करते हुए, फर्स्ट टेबल का हमने आपको दिखा दिया है, ये सर हमारे, और ये भी पढ़ाकू किस्म के हैं। और ये साथ साथ ये है जनरल स्टडी कोर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर किताब बना। ओके ओके, थैंक यू। ये बहुत पढ़ाकू है, मैंने 2-3 दिन में ये अध्ययन किया है हमने कि ये वह पढ़ते रहते हैं, अभी भी पढ़ने में विश्वास करते हैं और ज्ञान लेने में। ये हमारे सर हैं, ये भी चुप रहते हैं, बोलते कम हैं। ये है हमारा ग्रुप नंबर 1। ये ग्रुप नंबर 2 टेबल टास्क का दिया हुआ है। आज हमें दिया गया है एक्शन प्लान ऑफ पॉलिसी, 3 ग्रुप हमारे हैं, सभी को अलग अलग टास्क दिया गया है। ग्रुप नंबर 4 तो दोस्तों देख सकते हैं पसीना कितना हो रहा है। मैं अभी हूँ बीबीगिरी के बाहर, आज हम लोगों का विजिट है। ये देखिए सामने बस खड़ी है, एसी वाली है, पूर्ण एसी वातानुकूलित। आज हम जा रहे हैं दिल्ली विजिट पे, जहाँ हम जाएंगे लोटस टेम्पल, अक्षरधाम, इंदिरा गांधी मेमोरियल। आज आप बने रहें हमारे साथ, अभी बस खड़ी है, कुछ लोग लंच करके बाहर आ रहे हैं, अब गाड़ी में बैठने वाले हैं हम लोग। दोस्तों अभी हमारा लोकेशन है अग्रसेन चौक नोएडा सेक्टर 24। ठीक है, अब ये देखिए गाड़ी हमारी खड़ी है और बस जाने वाले हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं लोटस टेम्पल के लिए, सभी लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं हमारे साथ में। ओके, बेस्ट ऑफ जर्नी। ये बस से जा रहे हैं हम लोग, उस्ताद बैठे हुए हैं और बाकी लोग सब पीछे बैठे हैं बस में। अभी हम जा रहे हैं लोटस टेम्पल नोएडा, उसके बाद हम जाएंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल, फिर हम जाएंगे वापसी में अक्षरधाम। देखिए दिल्ली के सड़कों पर जाम, जाम की क्या स्थिति है दोस्तों। देखिए अभी हम पहुँचने वाले हैं लोटस टेम्पल, अभी थोड़ा दूर है, जाम में फंसे हुए हैं। देखिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ओखला, ओखला है ये, अभी जा रहे हैं हम लोग, अभी पहुंचे नहीं हैं। दोस्तों सामने देखिए अपोलो हॉस्पिटल है, दिल्ली का माना जाना हॉस्पिटल। अभी पेड़ों की छाया से ये है सामने अपोलो हॉस्पिटल, ये है बिल्डिंग, देख सकते हैं आप। दोस्तों देखिए दिल्ली की सड़कों पर दौड़ता हुआ ट्रैफिक, हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी वातानुकूलित है जिस कारण हम शीशा खोल नहीं सकते हैं। देखिए पहुंचने वाले हैं हम लोग, दिल्ली तो पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और बच गया है। दोस्तों सामने आपको दिख रहा है ये मोदी टावर है, जहाँ बाकी जहाँ तो हम सकते नहीं हैं,
ये पूरी बिल्डिंग जो है मोदी टावर है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ऊपर मोदी टावर। तो दिल्ली में बहुत झमाझम बारिश आ गई, आप कैसे जानो हम छत भी नहीं लाए हैं और बिना छत के कैसे जाएंगे इंदिरा गांधी म्यूजियम। देखो दोस्तों कितनी बारिश हो चुकी है, ये देखिए दोस्तों बारिश बहुत भयंकर बारिश हो चुकी है बिल्कुल। ड्राइवर साहब परेशान होते हुए, ड्राइवर साहब ने वाइपर चला दिए हैं और ड्राइवर साहब चार आंखों से गाड़ी को देखते हुए, गाड़ी चलाते हुए चार चार आंखों से। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लोटस टेंपल, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम गाड़ी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है और हम लोग यहाँ पर गाड़ी के अंदर ही रुके हुए हैं। जैसे बारिश बंद होती है तब हम बाहर जा पाएंगे। दोस्तों देखिए गाड़ी हमारी खड़ी है और बारिश इतनी सारी, इतनी तेज़ बारिश हो रही है देखिए, लेकिन गर्मी यहाँ पर इतनी है कि कह नहीं सकते हैं। गर्मी होने के कारण बारिश आ गई है तो बहुत आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, लेकिन हमारा जो आज उद्देश्य है वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बगल में लोटस टेम्पल है, बस हमारी खड़ी है, सभी लोग गाड़ी के अंदर हैं, एक दो लोग ही बाहर निकले हैं, वो भी एक दो लोग चाय पी रहे हैं, दुकान में पीछे ढाबा है यहाँ पर चाय पी रहे हैं। अब क्या करें, अभी और बढ़ चुकी है बारिश, अभी देखते हैं उसके बाद जाएंगे अंदर। देखिए ये इतने डर चुके हैं पानी से, ये बाहर आने को तैयार नहीं है, गाड़ी के अंदर दुबके हुए हैं, गाड़ी के अंदर इतनी गर्मी हो रखी है, एसी बंद हो चुका है गाड़ी का, लेकिन बाहर आने को तैयार नहीं है। आइए बाहर आइए, ये देखिए छुपने के लिए पेड़ की ओट में।